यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उधर गोंडा में आरएमएल यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली। छात्र के रिजल्ट में कुल नंबर की जगह लिखा कांग्रेस। इंटरनेट से रिजल्ट निकालने पर लापरवाही का खुलासा। बीएससी प्रथम वर्ष के परिणाम में छात्र के साथ मजाक किया गया। यूनिवर्सिटी में बच्चों के भविष्य का राजनीतिकीकरण, क्या कहा जाए इसको। अंक तालिका में फिजिक्स के नंबर पर लिखा कांग्रेस। ये देखिए आप, अंक पत्र के कुल योग में भी अंकित किया कांग्रेस। मतलब ये रिजल्ट है कांग्रेस, क्या मतलब है इसका। नेट से अंक पत्र निकलवाने पर पता चला, मतलब अपनी मार्कशीट जब स्टूडेंट्स डाउनलोड करने गए तो पता चला मार्क्स की जगह पर लिखा है कांग्रेस। रोहित नाम के एक छात्र ने एलबीएस की परीक्षा दी थी। बीएससी की परीक्षा में यूनिवर्सिटी का बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आया और जैसे ही इंटरनेट क्लिक किया गया तो सब्जेक्ट के आगे जहां मार्क्स होने चाहिए वहां लिखा था कांग्रेस। पास और फेल ये भी मार्क नहीं था। दो सब्जेक्ट में 290 नंबर आए रोहित नाम के एक स्टूडेंट के। फिजिक्स के नंबरों का पता नहीं क्योंकि वहां लिखा था कांग्रेस। भविष्य को लेकर अब पूरा परिवार चिंतित है। बहुत बड़ी लापरवाही। आप देखिए मार्कशीट में नंबर्स की जगह पर लिखा है कांग्रेस। आखिर कौन बताएगा कि ये स्टूडेंट पास है फेल है, कौन से सब्जेक्ट में इसने कितने मार्क्स हासिल किए हैं। सर मैंने एलबीएस में पेपर दिया था तो उसमें जो मैंने बीएससी थर्ड ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर में था तो उसमें फिजिक्स थर्ड के पेपर में उसमें कांग्रेस दिखाई दे रहा। मैंने सारे पेपर दिए और जो पेपर मैंने नहीं दिया था उसमें तो प्रमोट किया लेकिन कांग्रेस लिख के आ रहा, टोटल में भी कांग्रेस लिख के आ रहा। कांग्रेस कैसे लिख दिया? तो सर वो तो मुझे भी नहीं पता, जब कॉलेज में शिकायत की तो वहाँ पर कोई सुन नहीं रहा है। वो कह रहे हैं लोहिया यूनिवर्सिटी में बात करो, वहाँ पर कोई फोन नहीं उठा रहा है। अभी तक मेरा ही केवल दिखा रहा है और मेरे दोस्तों का तो सबका भी रिजल्ट आ गया है। तो सर वही तो मुझे भी नहीं पता, मैं तो कोई राजनीति नहीं करता, मैं तो अभी स्टूडेंट अभी पढ़ भी रहा हूँ। सीधे आपको ले चलते हैं, हमारे संवाददाता कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा ये किस तरह का मजाक है, वो भी एक स्टूडेंट के साथ। मार्कशीट में जहाँ सब्जेक्ट के आगे मार्क्स होने चाहिए, स्टेटस होना चाहिए पास या फेल, वहां लिखा है कांग्रेस। अब क्या मतलब निकाला जाए इसका। जी अब तक जिस तरीके से जो ये मार्कशीट है जो इंटरनेशनल निकाला गया है उसमें जाहिर सी बात है कि जो आईएनसी लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि इनकम्प्लीट। लेकिन अब पूरे मामले पे जांच का विषय है कि जिस तरीके से अगर ट्रांसलेट जो कुल्लू का मानना है जो जो है अगर उसमें ट्रांसलेट लिखेंगे तो उसमें आईएनसी की जगह कांग्रेस लिख के आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो इनकम्प्लीट अगर लिखा हुआ तो भी बड़ा मुद्दा है। किस तरीके से जो बच्चे ने पेपर दिया है बीएससी का पेपर दिया है और उसमें जो 90 नंबर होने के बाद भी जिस तरीके से उन्होंने आईएनसी लिखा है उसका ट्रांसलेट कांग्रेस होता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो यूनिवर्सिटी है उसकी लापरवाही है और जो छात्र है वो परेशान है, उसको कोई नहीं बताने तैयार है कि आखिर वो पास है कि फेल है। जो स्कूल प्रबंधक उन्होंने बात करने की कोशिश की तो कोई इस मामले में बोलने को तैयार नहीं, कोई उसे मिलने की बात नहीं कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो आईएनसी लिखा है या कांग्रेस लिखा है तो कहीं ना कहीं ये जो बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है और बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस मामले कोई बोलने को तैयार नहीं है। जी आस्था, तो वाकई अपने आप में ये बहुत बड़ी लापरवाही है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी कोई कुछ भी कहने से इस पर बच रहा है। लेकिन यहाँ छात्र के भविष्य का सवाल है, कौन बताएगा आखिर कितने नंबर आए हैं, ये छात्र पास है फेल है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा अपडेट के लिए।